हेलो फ्रेंड्स, पीके हेल्थ फार्मेसी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं महिलाओं के लिए उपयोगी दवा नोरलू-10 के बारे में। ये महिलाओं में मासिक धर्म को आगे करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली दवा है, लेकिन आज मैं इसके साथ साथ आपको इसके बारे में बहुत सारी जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि फ्यूचर में हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो जल्दी से आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं नोरलू-10 होता क्या है। ये एक प्रोजेस्टिन हार्मोन है जो कि महिलाओं के पीरियड को आगे या देरी से करने में ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इसको सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया जाता है जो सभी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाता है। इसका मार्केट प्राइस 57 रुपये रहता है जिसमें हमें 10 टैबलेट मिलती हैं। अब बात करते हैं नोरलू-10 कैसे काम करती है। ये एक सिंथेटिक प्रोजेस्टिन है। यह प्राकृतिक प्रोजेस्टिन जैसे काम करती है जिससे पीरियड की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। नोरलू-10 में नॉर्थीस्टेरोन नामक इंग्रेडिएंट डाला गया है। अब बात करते हैं नोरलू-10 के फायदे या इसके उपयोग के बारे में। इस दवा को महिलाओं की मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि मासिक धर्म चक्कर के साथ भारी व लंबे समय तक योनि से रक्त सतरा होना, सेक्स के दौरान या बाद में ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग होने पर मासिक धर्म को आगे करने में, गर्भ निरोधक गोली के रूप में, स्तन कैंसर के उपयोग में, मासिक धर्म के दौरान दर्द होने पर इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं नोरलू-10 की डोज या इसकी खुराक के बारे में। तो इसकी खुराक रोगी की उम्र वजन के हिसाब से लेनी चाहिए। इस दवा को खाने से पहले या खाने के बाद भी ले सकते हैं। हर रोज एक टैबलेट ही लें, लेकिन रोज एक टाइम फिक्स करके ही इसको दवा को यूज करें। कभी भी इस दवा की ओवरडोज न करें, नहीं तो बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें इसके साइड इफेक्ट या इसके दुष्प्रभाव की, जो कि इस प्रकार है, चेहरे पर कील मुहासे होना, वजन का बढ़ना, कमजोरी आना, बालों का झड़ना, योनि पर सूजन आना, मितलिया उल्टी लगना, दिल की धड़कन बढ़ना इत्यादि साइड इफेक्ट इसके देखने को मिल सकते हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह जरूर करें। गर्भवती महिलाओं को नोरलू-10 का प्रयोग नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे अबॉर्शन होने का खतरा रहता है। स्तनपान कराने वाली महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह से इसका प्रयोग न करें। अगर आप किडनी, लीवर या कोई अन्य दवा या पीरियड की कोई समस्या है तो इस दवा का प्रयोग न करें या फिर अपने डॉक्टर की सलाह पर इसका प्रयोग करें। अगर आपको इस दवा से एलर्जी या कोई रिएक्शन है तो इस दवा का प्रयोग न करें। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नोरलू-10 के बारे में बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। अगर आपका कोई प्रश्न या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कर लें। बाय बाय, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।